तो भाई लोग जब भी आप लोग फेस स्मूथ करते हो तो भाई आप लोग मतलब फेस स्मूथ करते वक्त यहाँ पे मतलब काला धब्बा आ जाता है, ठीक है ना, एकदम काला कालापन सा आ जाता है और अच्छा से मतलब फेस स्मूथ नहीं हो पाता अच्छा तरीका से, ठीक है ना, और बेकार सा लगता। तो भाई मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एकदम मस्त तरीका से फेस स्मूथ करे तो करे कैसे एकदम रियल तरीका से, और भाई कोई मतलब रियल तरीका नहीं बताता, ठीक है ना, वीडियो में भाई कुछ भी बताकर चला जाता है और रियल तरीका नहीं बताता। तो भाई तुम्हारा भाई आज सिखाएगा कि आखिर फेस स्मूथ होता कैसे, ठीक है ना, कहीं पर भी काला धब्बा नहीं आएगा और एकदम HDR में एकदम हाई क्वालिटी में HD में फेस गोरा एंड फेस पे व्हाइट कैसे करते हैं एंड फेस को स्मूथ कैसे करते हैं, तो तुम्हारा भाई सिखलाएगा एंड बतलाएगा। तो बस आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना भाई नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है ना, और एक प्यारा सा कमेंट करके एक लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग सीधे चलते अपने वीडियो के ओर एंड आप लोगों को बतलाते हैं एंड सिखलाते हैं कि आखिर भाई फेस स्मूथ करे तो करे कैसे। तो भाई आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आप लोगों को मतलब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो भाई हम लोग चलते सीधे वीडियो के ओर, तो चलते हैं। तो सो भाई लोग यहाँ पे स्केचबुक एप्लीकेशन में आ जाना, ठीक है ना, एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ भाई आप सभी के सामने में, मैं यहाँ पे अपना पिक को इंपोर्ट कर लूँगा, मतलब यहाँ पे स्केचबुक एप्लीकेशन में अपना पिक को इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है ना, एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। एंड भाई इंपोर्ट करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा ना, आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना, एंड इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग इस वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई ये लेयर बन जाएगा। इसी लेयर पे टैप करके यहाँ पे इसको ब्लेंडिंग मोड भाई हम लोग क्या कर लेंगे, सॉफ्ट लाइट रख लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट, ओके। एंड इतना काम करने के बाद भाई यहाँ पे आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो भाई मिस कर दोगे, मैं यही बोलूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे कलर पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कलर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना, एंड येलो को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को मैं जो ब्रश बता रहा हूँ भाई दिखा रहा हूँ, एंड आप लोग ब्रश पे क्लिक करके आप लोग इस ब्रश को सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले भाई हम लोग इसी ब्रश का मतलब इसी ब्रश को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग इस ब्रश को यूज करेंगे, ठीक है ना, सभी ब्रश को यूज करेंगे, अभी मैं भाई बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग अच्छा से स्क्रीन शॉट ले लो, एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई साइज भी, एंड इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं एकदम अच्छा से अपने भाई फेस पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना मस्त तरीका से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एंड भाई आप लोग भी क्या कीजिएगा एकदम मस्त तरीका से यहाँ पे अपने फेस को मतलब फेस पे अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। और भाई आप लोग मतलब सोच रहे होंगे कि भाई ये पीला कलर भाई क्यों मतलब कलर कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये आप लोग मतलब सोच रहे होंगे, दिमाग में आ रहा होगा, तो भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ भाई, ये आपको भाई आगे पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब फ़ायदा क्या भाई, ये मैं आखिर कलर क्यों कर रहा हूँ अपने फेस पे, इसका फ़ायदा क्या, तो भाई ये आपको भाई आगे पता चल जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए एंड वीडियो को स्किप मत कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। तो भाई मैं जो भी बताता हूँ ना, हर एक वीडियो में न्यू ट्रिक लेके मतलब हर न्यू ट्रिक के साथ लेके आता हूँ एक न्यू वीडियो आप सभी के लिए, एंड आप लोगों को मैं सिखाता रहता हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ मैं कि मेरा वीडियो को स्किप मत किया करो, शुरू से लेके एंड तक फुल वॉच किया करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना एकदम मस्त तरीका से यहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया भाई मुझे पता है, तो जल्दी से लाइक कर दो भाई क्या कर रहा हूँ। एंड भाई आप लोग क्या कीजिएगा, जस्ट इसके बगल में एक ब्रश होगा, उस ब्रश को सिलेक्ट करके यहाँ पे साइज को कम कर लीजिएगा, एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई आँख में भी मतलब आँख पे नहीं करना, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आँख पर से कुछ इस टाइप से यहाँ पे हटा लेंगे, ठीक है ना, एंड यहाँ पे लिप से भी यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं हटा लेते हैं कुछ इसी टाइप से। एंड इतना काम करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसी लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो इसी लेयर पे क्लिक करके एंड ये लेयर पे क्लिक करके आप लोग इसको कम बेसी कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 31 के आसपास रख लूँगा, ठीक है ना, एंड यहाँ पे देख सकते हो। इतना काम करने के बाद ना अब हम लोग क्या करते हैं, इस पिक को भाई शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस पिक को भाई सेव कर लूँगा अपनी गैलरी में। एंड भाई सेव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पिक को Lightroom एप्लीकेशन में ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं Lightroom एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। एंड भाई ओपन करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर भाई कलर यहाँ पर पहले लाइट पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। एंड भाई यहाँ पे कंट्रास्ट को क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो इसको भाई हल्का सा माइनस कर देना, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पे हाईलाइट को भी हल्का सा माइनस कर देंगे।
एंड यहाँ पे शैडो को देख सकते हो भाई, शैडो को भी हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है ना, हल्का सा यहाँ पे कुछ इस टाइप से 90 के आसपास बढ़ा देंगे। एंड व्हाइट को भी हम लोग हल्का सा मतलब बढ़ा देंगे 13 के आसपास। एंड यहाँ पे ब्लैक को हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा मतलब माइनस या बढ़ा देना, ठीक है ना, इसको मतलब करना ही नहीं कुछ। एंड यहाँ पे जस्ट बगल में कलर का ऑप्शन देखने को मिला, कलर पे क्लिक करके यहाँ पे मिक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। एंड मिक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये कलर और वो कलर मतलब मैचिंग कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखो, ये दोनों कलर आपको मतलब अच्छा मतलब सहायता करता है फेस वाइट एंड फेस स्मूथ करने में, ठीक है ना। तो सबसे पहले येलो कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को माइनस कर देंगे। एंड यहाँ पे लेमुलेंस को मतलब जितना बढ़ाओगे ना भाई, उतना वाइट होता जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे सेकंड कलर को यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, आप लोग मतलब हल्का सा माइनस रखिएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, जितना आपको वाइट रखना आप लोग रख सकते हो। इसलिए भाई मैं पीला कलर किया वाइट करने के लिए और गोरा करने के लिए, ठीक है ना, इसीलिए। और सच ये रेड कलर का फुल कर देना। एंड यहाँ पे बाकी बात आपको मतलब सबको माइनस कर देना, ठीक है ना, सेचुरेशन सबको माइनस कर देना। यहाँ पे देख सकते हो आप सभी के सामने में। और भाई जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आप लोग उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। एंड इस पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो फेस का भी कलर बहुत आ जाता है। तो यहाँ पे मैं उतना वाइट नहीं रखूँगा। एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से यही सेटिंग रखूँगा, ठीक है ना। एंड भाई आप लोग भी रख लीजिएगा। एंड इतना काम करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। एंड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्सचर एंड क्लैरिटी पे एंड यहाँ पे फिंगरनेट को हल्का सा कम कर देंगे। एंड यहाँ पे हम लोग या डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। एंड इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शार्पनिंग को हल्का सा बढ़ा देंगे। एंड यहाँ पे कलर नॉइज को एंड डिटेल्स एंड स्मूथिंग को, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से बढ़ा देंगे। अगर ये समझ में नहीं आया ना भाई तो दोबारा देखो और वीडियो को रोक रोक कर देखो, आपको मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई वीडियो डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना भाई, वीडियो यहीं पे रहेगा, मेरा चैनल पे रहेगा, जितना बार देखो भाई, ठीक है ना। मगर आप लोगों का ही फायदा होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है ना भाई। इतना मेहनत कर रहा भाई, सीख लो भाई, ऐसा मतलब कहीं नहीं मिलता। आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से दोबारा स्केचबुक एप्लीकेशन में अपने पिक को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई जल्दी से पहले लाइक करो, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मैं ये ब्रश आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देख सकते हो, ये ब्रश को आप की बार सेलेक्ट करना, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो। एंड भाई इसका सेटिंग देख सकते हो एंड इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये ब्रश देख सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। एंड इसका सेटिंग भी भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कुछ इस टाइप से रखना, ठीक है ना। अब भाई आप भाई काला धब्बा भाई कैसे आ जाता है भाई, मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है ना, कहाँ पर आता है काला धब्बा, आज मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, कहीं पर भी काला धब्बा नहीं आ रहा, कहीं पे भी काला धब्बा नहीं आने वाला। मैं जो ट्रिक बताया हूँ भाई, कहीं पे भी काला धब्बा नहीं आएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो कितना मस्त तरीका से यहाँ पे फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है ना। तो भाई आप लोग क्या करते हो ना, वीडियो को शुरू से लेके एकदम एंड में कर देते हो। तो भाई देखो, शुरू में अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। जब भाई देखो आप लोग पढ़ाई करते हो 2-3-4 महीना 1 साल पढ़ाई करते हो, तब उसके बाद ना भाई एग्ज़ाम देते हो, तो भाई एक ही दिन मतलब रिजल्ट निकलता है ना, मतलब बाकी दिन तो ये 1 साल तो पढ़ते रहते हो ना भाई। ऐसे ही भाई कुछ इसी टाइप से आप लोग दिमाग लगाओ, आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो और भाई लास्ट में आकर भाई कुछ देखते नहीं हो और अच्छा से मतलब सीखते भी नहीं हो, ठीक है ना, इसके वजह से भाई, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ स्किप मत किया करो, स्किप कर दोगे तो भाई मतलब ये सब भाई जो ना सीखने का चीज़ है, ठीक है ना, स्किप मत किया करो। ये जो मतलब सीखने का चीज़ है ना, जो मतलब हर कोई मतलब कोई बताता है कि भाई सिखाने वाला चीज़ है, तो एस्केप मत किया करो भाई, मैं इतना ही बोलूँगा, ठीक है ना। वीडियो को फुल वॉच किया करो। एक तो भाई छोटा सा वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए, 9 मिनट का वीडियो है, 9 मिनट एंड 8 सेकंड का वीडियो है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना खतरनाक तरीका से यहाँ पे फेस हमारा स्मूथ हो रहा है, ठीक है ना, आप सभी के सामने में भाई। एंड यहाँ पे इतना फेस स्मूथ करने के बाद ना, हाई क्वालिटी में HD में और भाई करना चाहते हो ना, तो भाई ये रिमनी एप्लीकेशन को यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। एकदम मस्त एप्लीकेशन है और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई, मस्त मतलब एप्लीकेशन है। स्मूथ करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक लाइक